हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के जो मोस्ट क्वेश्चन है लोक देवता और लोक देवतियों के बारे में, जो देवी हैं उनके बारे में जो मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए, जीके सभी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो आपके लिए लेकर आए। अगर आपने ये मेरी दो क्लास ले ली, ये पहली क्लास है जिसमें मैं आपके लिए संपूर्ण क्वेश्चन हल करवाऊंगा, और जो मेरी एक और क्लास लेकर आऊँगा, अगर इस दो क्लास आपने रेगुलर ले ली तो आपके लोक देवतियों या लोक देवताओं तो अगर आप एक ही क्वेश्चन बाहर चले जाए नहीं तो इसकी 100% गारंटी है दोस्तों। मैं बिल्कुल जो मैंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण से जो क्वेश्चन है संग्रहित किए हैं आगामी एग्जाम, जैसे कि आपके देख सकते हैं RPSC से रिलेट लिए हैं मैंने, और ये जितने भी जो ओल्ड पेपर हैं हाई कोर्ट के, SC राज के जितने ओल्ड पेपर हैं उनसे उठाए हैं, और जितने भी राज स्तरीय जो जो परीक्षाओं के क्वेश्चन हैं उनसे सभी क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो आपका पहला भाग है जो आपका लोक देवताओं में क्वेश्चन है वो आपको देंगे, जो एग्जाम 2020 में होगी, इसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। तो इस वीडियो को मेरी राय दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक वॉच की है, और मैं आपके लिए अगली वीडियो जरूर लेकर आऊँगा ऐसे मोस्ट क्वेश्चनों की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका, जो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, जो तेजा जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो तेजा जी का जन्म है वो नागौर में हुआ था। और आपने मेरी क्लास रेगुलर ले ली दोस्तों तो आपके जो लोभ देखता हूँ उससे आपका एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके फुल करके आगे कहीं से भी आ जाए। अब दोस्तों आ जाता है, गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया था? जो गोगा जी हैं उन्होंने किसके साथ जो युद्ध किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। आपका तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? जो गोगा जी घोड़ी का क्या काली घोड़ी थी, रानी, सफ़ेद, उसकी घोड़ी का नाम लाल घोड़ी था, या लाल घोड़ी भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथमा, सुगध चिड़िल को किस लोक माता के रूप में जाना जाता है? किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, बताना। किस लोक माता के रूप में जाना जाता है? तो आपका आयड़ माता हो जाएगी, सुगध चिड़ी माता मतलब आयड़ माता का संबंध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दह धूमती माता का मंदिर राजस्थान में किस जिले में है? तो दोस्तों दह धूमती माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में किस जिले में है? तो वो आपके नागौर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर नागौर हो जाएगा आपका। आप इनको नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन, और आपको एक PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप लिंक दे दूँगा ग्रुप की, आप वहाँ जुड़ के इस PDF को आप रेगुलर इनकी जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, झारपीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? झारपीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है दोस्तों? तो वह है गोगा जी। गोगा जी को ही झारपीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैक्टरी किस संत की पवित्र स्थल है? जो बैक्टरी स्थान है वो किस संत का, मतलब वो किस संत का जो पवित्र स्थान माना जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो आपको बताना है, जम्बो जी होंगे या वो आपके हरिदास जी होंगे, हड़वो जी होंगे, या फिर वो आपके तेजा जी होंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर वो हड़वो जी हो जाएंगे, जिनका पवित्र स्थान जो है वैक्ट्री माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आठवां क्वेश्चन आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस लोक देवता की ख्यात चार हाथों वाले देवता के रूप में मनाई जाती है, क्या मानी हुई है वो किस लोक देवता के रूप में है दोस्तों? तो वो आपको बीर कल्ला जी हैं, उनकी गाथाएं हम आपको सुना दें। तो जब ये दो भाई कह सकते हैं, जब दो भाई थे, जब ये युद्ध लड़ रहे थे, मतलब ये आपस में अपनी मिन से युद्ध लड़ रहे थे, तो जो जो इनके जो जो ये बीर कल्ला जी के भाई हैं उनको क्या है, उनके या तकलीफ ही आ गई, या उनके कहीं चोट आ गई, तो उन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर इन्हें
युद्ध किया, तो इसमें जो बीर कल्ला जी के चार हाथों वाले के रूप में मान्यता। आपको सीधा क्वेश्चन आएगा चार हाथों वाले देवता कौन सा है इनमें से दोस्तों, तो आपको टिक करना है बीर कल्ला जी पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, लोक देवता मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ पर है? जो लोक देवता है जो मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ पर, तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर, साथु गांव जालौर, ओसिया जोधपुर। तो आपका राइट आंसर दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर हो जाएगा। आपके लिए सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, टॉपिक बाद में आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा, रेगुलर क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए। तो आपको इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखना है, PDF आपके लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए मैं जो आंसर इसके भी साथ ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों आपको बने रहना है, ये हर टॉपिक लाऊंगा मैं आपके लिए हाई कोर्ट की एग्जाम की दृष्टि से। तो प्राचीन तंत्र का शक्तिपीठ जिसे सुधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना, सुधा माता का मंदिर कहाँ पर है, जो सुधा माता का मंदिर आपका वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो जालौर में है, जोधपुर में है, नागौर में है, जैसलमेर में। तो वो दोस्तों आपका जालौर में है, राइट आंसर आपका जालौर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चौधरी एजुकेशन हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन का भी निशान हो उसको भी ऑन कर लो, जिससे कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके, और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी हाई कोर्ट संबंधित, फोर्थ क्लास संबंधित इम्प्लॉन्ट के लिए, वो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, वहाँ के लिए मेहनत करते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो आपका, सांवर में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? जो सांवर में है दोस्तों वो किस देवी का मंदिर है? इस पर कई जो स्टूडेंट हैं इन क्वेश्चन पर डाउट भी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। शीतला माता का मंदिर है, भवन माता भवन देवी का मंदिर है, शांकवरी देवी का मंदिर है, या शिला देवी का मंदिर है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ जो एग्जाम की दृष्टि से हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12वां क्वेश्चन आपका, नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है? जो आपको नकटी माता याद रखनी है, ओनली फोर, इसकी पूरी हिस्ट्री याद रखनी है दोस्तों, तो इसका मंदिर आपका जयपुर में है दोस्तों। जो नकटी माता का मंदिर है वो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, वो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको 13वां, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं, जो अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता कौन से हैं? जो दोस्तों आपको बताना है, आपको जो अजमेर जिले के वो तेजाजी प्रमुख लोक देवता हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, बाबूजी पाबूजी का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है? जो पाबूजी का जन्म स्थान वो निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताना है, ये बहुत ही डीपली मतलब बहुत ही अंदर से क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो RAS में पूछे जाते हैं, भी आप उनको मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये अमरकंठ हो जाएगा, फलौदी हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा, या कोलूमंड हो जाएगा? तो इसमें आपको राइट आंसर कोलूमंड डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो 24 वाणियाँ किस देवता की रचित ग्रंथ है? जो 24 वाणियाँ हैं वो किस लोक देवता की ग्रंथ है दोस्तों? ऐसे आपने क्वेश्चन जो आपने जो RAS जैसे RPS एग्जामों में देखोगे, तो वो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो 24 वाणियाँ किस लोक देवता की रचना है? तो आपको बताना है दोस्तों किस लोक देवता की रचना है, देवबा की है, रूपनाथ जी की है, हड़बू जी की है, या रामदेव की है? जिसमें आपका राइट आंसर हो रामदेव जी की हो जाएगी, 24 वाणियाँ रामदेव, खाली इतना याद रखना है, क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों, आई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित? जो आई माता है उसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको दोस्तों बताना है, आई माता का मंदिर जोधपुर है, अजमेर है, नागौर है, जैसलमेर है? तो इसका जो आई माता का मंदिर है दोस्तों वो आपका जोधपुर में स्थित है। चौथ माता का स्थान कहाँ पर है? दोस्तों चौथ माता है इसका स्थान कहाँ पर है? तो सवाई माधोपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। इसको जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथ माता का मंदिर जो आपका सवाई माधोपुर में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका,
18वां क्वेश्चन लेकर आए, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो लोक देवी है उसका जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जालौर है, बिड़ला है, सीकर है, जैसलमेर है। तो आपका राइट आंसर जो जीर्ण माता है वो सीकर जिले में गम मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 19वां क्वेश्चन आपका, केवैया माता का मंदिर का निर्माण कराया था? जो केवैया माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? इसका बताइए आप, देवदत्त होंगे या वो चच्च ने कराया, या भीमदेव ने कराया, या सिलवाहन ने कराया? तो आपको राइट आंसर बी हो, चच्च ने इसका जो केवैया माता का जो केवैया माता का मंदिर का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 20वां क्वेश्चन आपके लिए, सर्प इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? जो सर्प इलाज के लिए सबसे जो लोक देवता है वो कौन पूजे जाते हैं? बताइए क्वेश्चन, गोगा जी हैं, तेजा जी हैं, रामदेव जी हैं, हड़बू जी हैं। इसमें आपका राइट आंसर गोगा जी हो जाएगा, जिन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 21वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, 13 ताली नृत्य किस खाली जगह किसकी प्रार्थना में की जाती है? जो 13 ताली नृत्य है वो किसकी प्रार्थना के लिए या किसकी प्रार्थना के किस देवता के भजन गाते हुए कहे जाते हैं? जो 13 ताली नृत्य है दोस्तों वो आपके रामदेव जी के भजन गाते हुए किए जाते हैं। और 13 ताली जो नृत्य आपका जो दोस्तों शेखावाटी में किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो जरूर लाइक कर दें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यहाँ पर साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। मैं आपके लिए जो टॉपिक वाद जीके के हर एक मोस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इनसे बाहर आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं होगा। और दोस्तों इसकी जो संपूर्ण आंसर की है मैंने यहाँ पर दे रखी है। तो इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बार से ग्रुप लिंक है आप वहाँ जोड़ के इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी से संबंधित क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। जो ये आपका जो कह सकते हैं कि आपका जो मॉडल पेपर ये फर्स्ट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए जीके का पार्ट टू पार्ट, हर बार इन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप डीपली से BSTC से लगाकर आर एस तक के क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर कराऊंगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों जो, और मैं आपके लिए अगला जो टॉपिक है वो जल्द लेके आऊँगा। तो मिशन कौन सा हमारा दोस्तों? जो मिशन है हमारा एग्जाम 2020 मिशन है हमारा। तो वीडियो पसंद आई होगी आई होप, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।